सिचोली में एनएसयूआई द्वारा हर्ष भुसारी के नेतृत्व में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के निजीकरण के विरोध में और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। हर्ष भुसारी ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा सिर्फ अमीरों को देना चाहती है और गरीबों के बच्चों को इससे वंचित रखना चाहती है। चिचोली में एनएसयूआई द्वारा हर्ष भुसारी के नेतृत्व में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के निजीकरण के विरोध में एवं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। हर्ष भुसारी ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा सिर्फ अमीरों को देना चाहती है और गरीबों के बच्चों को इससे वंचित रखना चाहती है। हर्ष ने सवाल उठाया कि सरकार द्वारा निजीकरण युवाओं को नौकरियां न मिलने व आरक्षण भविष्य बर्बाद कर देगी और उन्होंने बताया है कि प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति इस सत्र से प्रारंभ की जा रही है जिसका एनएसयूआई विरोध कर रही है। आज क्यों ये पुतला दहन किया है, क्या है आप लोगों का? आज चिचोली एनएसयूआई द्वारा शिवराज सिंह चौहान का जयस्तंभ चौक पर पुतला दहन किया गया, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सरकार में बढ़ती बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है और युवाओं को कोई राहत नहीं दी जा रही है शिवराज सरकार द्वारा। इन लोगों का कहना था कि हम छात्रवृत्ति भी समय पे दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिल पा रही है और उनकी आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। इस वजह से आज शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। खबर एमपीसीजी के लिए चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।